हाय गाइस, क्या हाल है। बेसिक टेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। गाइस, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं फिर से वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतना लेट हो गया, लेकिन गाइस ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में एक साउंड बार का वीडियो बनाया था, उस पर उसकी अनबॉक्सिंग दिखाई थी, और ये जो साउंड बार था वो बोट अवंटे 2050 था, जो कि काफ़ी फेमस साउंड बार मैं कहूँगा। तो गाइस, मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक साउंड टेस्टिंग का वीडियो भी लाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें मैं अपनी इसको चेक कर पाऊँगा कि क्या बेस रहने वाली है, कैसी क्लियरिटी रहने वाली है। तो गाइस, हाजिर है आपके सामने एक नया वीडियो साउंड टेस्टिंग का, तो आप इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाला है। तो गाइस, मैंने सारा कुछ सेटअप यहाँ पर रेडी कर लिया है, और हाँ, मैंने उस वीडियो में कुछ चीज़ें आपको नहीं बता पाई थी, जो कि मैं आज की वीडियो में भी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने साउंड बार की तरफ और देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर सारा कुछ सेटअप कर रखा है, बस यहाँ पर म्यूजिक को प्ले करना है। और हाँ, मैं वीडियो की शुरुआत ही में बता दूँ, यहाँ पर मैं आपको नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स यूज करूँगा, और अगर आपको डीजे गाने जैसे कि आप नॉर्मली सुनते हैं वो गाने देखना चाहते हैं कि ऐसा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा इसके ऊपर, वो परफॉर्मेंस कैसा रहेगा इसके ऊपर, तो आप हमारे जाइए इंस्टाग्राम पर। मैं वहाँ पर उसकी जो वीडियो है बहुत जल्द से जल्द वहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, आप जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, और चलिए चलते हैं। तो गाइस, हाजिर है आपके सामने बोट कंपनी का बोट अवंटे 2050। गाइस, मैं बोलूं, अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो इसमें आपके जो पैसे हैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे, और मैं भी ये फील करता हूं कि मैंने इसको इसमें पैसे डाले हैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गए हैं। जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और गाइस, मुझे करीब करीब एक महीना होने को है, तो मैंने जो फील किया है वो मुझे काफ़ी लाजवाब रहा है अभी तक। तो गाइस, चलिए मैं अभी तक यहाँ पर जो उस वीडियो में हमारे छूट गए थे, चलिए मैं इस वीडियो में आप तो गाइस जो हमारी पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें छूट गई थी, चलिए मैं उसको सबसे पहले कवर कर लेता हूँ। देखिए, ये है हमारा कुछ ऐसा रिमोट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको पावर ऑन ऑफ करने का बटन, म्यूट करने का बटन, और यहाँ पर पेयरिंग करने का भी बटन मिल जाता है जिसमें, और ये जो इनपुट है यहाँ पर ब्लूटूथ USB क्या आप कनेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर इसका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ये वॉल्यूम अप डाउन करने का, नेक्स्ट प्ले आगे करने का, ये तो सब आप लोग जानते हैं। म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आप म्यूजिक को ऑन करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो इस बटन को प्रेस करके म्यूजिक का फील ले सकते हैं। और अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो न्यूज़ के लिए अलग भी बटन दिया गया है, और मूवी के लिए भी अलग बटन यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर आपको एक 3D का भी बटन दिया गया है। इसका क्या यूज है वो भी चलिए मैं आपको इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप साउंड क्वालिटी के माध्यम से इसकी फील को देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रिबल प्लस माइनस का भी एक बटन देखने को मिलता है अलग से, और बेस कम ज़्यादा करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जो रिमोट है काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अच्छा दिया गया है बूट के साथ। और हाँ, हमारे इस बार जो साउंड बार है इसमें भी एक दो बातें छूट गई, तो वो मैं आप क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा भी तीन बटन देखने को मिलते हैं, जो कि पावर ऑन ऑफ करने का बटन देखने को मिलता है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको प्लस माइनस का भी बटन देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको USB लगाने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो गाइस, ऐसा कुछ ओवरऑल रहा है, और अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस फील किया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो मैं बोलूँगा, अगर आप इसमें पैसे डालते हैं तो आपके जो बिल्कुल भी पैसे हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। मैं बता दूँ, ये जो इसकी वाटेज हैं वो भी मैंने उसमें भी क्लियर किया था, इसमें भी क्लियर कर देता हूँ। 160 वाट का है, ये हमारा 80 वाट का साउंड बार है, और ये सबवूफर जो है हमारा 80 वाट का भी ये है, यानी 160 वाट का दोनों पेयर हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं नॉन कॉपीराइट सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, गाना प्ले करने से पहले आप एयरफोन का ज़रूर यूज कर लीजिए, एयरफोन को ज़रूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो साउंड का फील है आप वहीं पर महसूस कर सकते हैं कि उसकी साउंड क्वालिटी है कैसी रहने वाली है। अगर आप नॉर्मल सुनते हैं तो आप महसूस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, चलिए लगा लीजिए एयरफोन को, तो चलिए प्ले करते हैं। मैं थोड़ी ट्रेबल जो है उसको थोड़ा एनहांस करूंगा। मैंने 4 पे रखा है ट्रेबल को, आप देख सकते हैं गाइस। अब मैं बेस को भी थोड़ा एनहांस कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं इसकी जो आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब मैंने जो साउंड क्वालिटी है ओनली
खाली मैंने इसको 25 पे रखा हुआ है अभी, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस अगर आप वैसे गाने सुनना चाहते हैं नॉर्मली, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ पर बहुत जल्द मैं वीडियो लाने वाला हूँ। चलिए मैं आप दूसरा गाना प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पर आपको 3D का ऑप्शन दिखा देता हूँ। आपको कुछ थोड़ा महसूस हुआ होगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पर रहने वाला है। चलिए मैं दूसरा गाना प्ले करता हूँ एक बार। कैसा फील रहने वाला है ये मूवी का, आप देख सकते हैं मूवी में ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं एक बार 3D पे क्लिक करके देख लेता हूँ। 3D पे क्लिक किया और अब मैं म्यूजिक पे क्लिक करता हूँ। आई होप गाइस की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और जो हमारा साउंड टेस्टिंग का वीडियो है, बताइए हमें कि आपको कैसा लगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस साउंड वार के रिलेटिव, तो आप हमारे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइस ये था हमारा साउंड टेस्टिंग का वीडियो, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं जल्द से जल्द 1 महीने का या 2 महीने का एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि 2 महीने तक अभी तक मुझे कैसा ये परफॉर्म कर रहा है, कैसी साउंड क्वालिटी रहेगी, क्या दिक्कत आ सकती है, क्या आई है, सब कुछ वहाँ पर मैं क्लियर करूँगा। तो गाइस बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, देसी गाने सुनने के लिए नॉर्मली जो हम अपने नॉर्मली सुनते हैं, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ पर आपको जल्द वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।